जब कभी भी हम अपने गार्डन में कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसकी केयर पर हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको लगाने का तरीका सीखते हैं, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, शेड में रखें, धूप में रखें, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं कि हमारा प्लांट बहुत अच्छा दिखाई दे और हमारा गार्डन में बहुत खूबसूरत लुक आए, उसके लिए हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए, एक हेल्दी प्लांट हो और खूबसूरत लगे। और स्पेशली हम यूट्यूबर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है प्रेजेंटेशन। अगर हम अच्छी तरीके से अपने गार्डन को प्रेजेंट नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से अपना प्लांट नहीं शो करेंगे, तो आप लोगों का इंटरेस्ट हम लोगों में ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो अपने गार्डन को खूबसूरत दिखाने के लिए पॉट और प्लांट के साथ साथ हम लोग स्टैंड भी ख़रीदते हैं। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे स्टैंड की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पॉट होते जा रहे थे। पॉट तो मैं टाइम टू टाइम ले रही थी, लेकिन स्टैंड लेना ज़रा मुश्किल था क्योंकि इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा खर्चा था। किसी तरीके से जमा कर कर मैंने एक साथ स्टैंड अपने सारे बनवा लिए थे, सोचा था कि अब कोई ख़र्चा नहीं है, पॉट तो बहुत ईजिली मैं टाइम टू टाइम लेती रहूँगी और अपने प्लांट उसमें ग्रो करती रहूँगी। इतने ज़्यादा मेरे पे प्लांट और उनकी कटिंग हो गई, क्योंकि हम लोग कटिंग से भी प्रोपेगेट करते हैं, अपने 1 से 10 प्लांट हम ज़रूर बना लेते हैं, लीव से भी प्रोपेगेट करते हैं, तो पॉट इतने ज़्यादा हो गया तो स्टैंड में भी उसी अकॉर्डिंग मेरा पैसा खर्च हुआ। लेकिन मैं खुश थी कि एक बार मेरा स्पेंड हो गया, अब गार्डन खूबसूरत लगेगा और मुझे ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस, जब मैं ये लेकर आई थी स्टैंड तो इन पे वाइट पेंट हुआ हुआ था, बहुत खूबसूरत लुक दे रहा था, लेकिन बस 3 या 4 महीने के बाद ये डल होने स्टार्ट हो गए। मुझे 1 साल खींचना भी प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि वाइट कलर के थे और इतने बुरे लगने लगे कि मेरे नेबर्स में भी कोई आता था तो मुझे वो बोलने लगे कि आप इस पे पेंट करो। अगर मैं पेंटर को हायर करती हूँ तो उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि वो मेरे बस की बात नहीं थी। 2 साल पहले मैंने ऐसा किया था कि मैं खुद पेंट करूँगी तो हो सकता है मेरे थोड़ा मनी सेव हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मेरे पे पेंट करना नहीं आता, जहाँ पर मुझे 1 डिब्बा लगना था कलर का वहाँ पर मैंने 2 डिब्बे लगाए, जहाँ पर पेंट कम गिरना था फर्श पर इतना ज़्यादा पेंट गिरा कि थिनर की 1 शीशी लगनी थी वहाँ पर 3-3 शीशी थिनर की गई, टाइम अलग वेस्ट हुआ। फिर ग्लव्स ख़रीदे कि हाथ ख़राब हो रहे हैं, वो ग्लव्स इतने ज़्यादा ख़राब हुए तो शायद वो दूसरी बार में यूज़ करने के लायक भी नहीं रहे। उसके बाद कपड़ों का भी वही हाल हुआ, तो मुझे टाइम भी वेस्ट लगा और पैसे भी ज़्यादा लगे। उसके बाद से मैंने पेंट नहीं किया। अब की बार में मेरे इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं स्टैंड के, मैं जितनी मेहनत अपने प्लांट पर करती हूँ, उन्हें खूबसूरत निकाल कर लेकर आती हूँ, वो स्टैंड पर रख के उतना लुक नहीं देते हैं, मेरे गार्डन में वो खूबसूरती नहीं आ पा रही थी। तो वही होता है कि फिर हम गार्डनर होते हैं तो थोड़ा जुगाड़ हम लोगों को चाहिए होता है। मुझे कुछ ऐसी तरकीब सोचनी थी जिससे मेरे पैसे भी बचें, तकरीबन हर साल नहीं 2-3 साल मुझे इस पर पेंट कराना पड़े और मेरा गार्डन बहुत खूबसूरत लगे, मेरे प्लांट्स को भी उससे फ़ायदा हो। आप एक बार मेरे गार्डन का ओवरव्यू ज़रूर देखना, चेंज करने से पहले मेरा गार्डन कैसा था और चेंज होने के बाद मेरा गार्डन कैसा लग रहा है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं वो ज़रूर आप एक बार नोट कीजिएगा। उसके फ़ायदे जाने बगैर वीडियो को स्किप मत करना। तो मैंने सबसे पहले सभी स्टैंड का मेज़रमेंट लिया, मैं मार्केट गई, मार्केट जाने के बाद मैं जब शॉप पे पहुंची और मैं पहुंची थी हरे रंग की जो घास होती है उस पर, तो मैंने सबसे पहले उसके प्राइस पूछे, अलग अलग तरह के प्राइस मुझे बताए गए, 70 रुपये से स्टार्ट होकर 25 रुपये तक की घास मुझे वहां पर अवेलेबल थी, क्योंकि मुझे सिर्फ स्टैंड पर बिछानी थी, लॉन में नहीं डालनी थी, तो मैंने स्टैंड के हिसाब से सबसे हल्की वाली घास मैंने चूज़ की और उसका मेज़रमेंट भी मैंने उनको दिया अपने स्टैंड का, ताकि वो मुझे कट करके दें, क्योंकि अगर मैं खुद से कट करती लाने के बाद वो तो एक्सपर्ट होते हैं और मेरे 2-3 दिन वेस्ट होने ही होने थे। उन्होंने मुझे मेरे मेज़र के अकॉर्डिंग काट कर मुझे ग्रास दिए, मैं लाने के बाद जब मैंने बिछाया, हाँ इतनी मेरी मेहनत ज़रूर हुई कि मुझे सारे पॉट हटाने पड़े और उसको बिछा कर फिर मुझे वापस से पॉट रखने पड़े, लेकिन हम लोग तो इससे भी ज़्यादा मेहनत करने के हैबिचुअल होते हैं, पॉट हटाने रखने ये हम लोगों का डेली का काम होता है, तो ये इतना भारी मुझे नहीं लगा। हाँ मैं थोड़ी एक्साइटेड ज़रूर थी कि मेरा गार्डन कैसा लगेगा जब मैं पूरे में बिछा दूंगी, तो वो कैसा लगने वाले हैं, मेरे पॉट कैसे लगने वाले हैं, क्या चेंज उनमें आने वाला है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि पहले कैसा लग रहा था और बाद में कैसा लगा बिछने के बाद।
एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें ये हुआ, जब मेरे जो सकुलेंट के छोटे छोटे पॉट होते हैं वो मेरे स्टैंड पर ठीक तरीके से फिट नहीं होते हैं, तो अगर मैंने ग्रास बिछा दी है तो उस पर वो बहुत ईजिली मैं उनको कहीं पर भी, उनको एक बेस मिल गया और मैंने कहीं पर भी उनको रख दिया। दूसरी जो ख़ास बात ये हुई कि जब मैं इनमें पानी देती हूँ सुबह के टाइम पे, तो मैं उस घास पर खूब अच्छे से पानी डाल देती हूँ और दोपहर के टाइम पर वो घास ठंडी बनी रहती है, गर्म नहीं करती, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से गीली हो जाती है और हमारे प्लांट को एक अच्छा ठंडा कूल टेम्परेचर मिलता रहता है। अगर हम इस पर पानी नहीं डालेंगे तो ये ज़रूर तपिश में, गर्मी की जो तपिश होती है उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा और गर्मी पैदा करेगा। तीसरी बात जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि जो गर्मी में हमें ग्रीन लुक चाहिए होता है, वो पूरा ग्रीन लुक मेरी आंखों के सामने था। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ज़मीन में हरी घास के ऊपर अपने पॉट रखे हुए हैं, तो इतनी खूबसूरती मेरे गार्डन में आई। ये समझिए, मेरे गार्डन की खूबसूरती को 1000 गुना इस घास ने बढ़ा दी। पेंट करने का जो खर्चा मेरा बचा ही बचा, अब मैं चाहूँ तो तीसरे साल पेंट कर सकती हूँ। पेंट करना तो हमें कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने स्टैंड पर पेंट नहीं करेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा और हमारे स्टैंड टूटने लगेंगे। लेकिन जो खूबसूरती दिखाने के लिए हमें तीसरे चौथे महीने पेंट करना पड़ रहा था, हम चाहें तो 1 साल या 2 साल का गैप देकर भी उसको पेंट कर सकते हैं। तो इस घास ने मेरे गार्डन में एक बहुत खूबसूरत लुक, मेरे गार्डन को एकदम से, आप ये समझिए कि लो था और एकदम से हाई हो गया। तो अगर आप भी चाहें तो इस टिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके पास जो भी स्टैंड हैं, 1-2 स्टैंड हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत ईजीली आप लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टैंड हैं तो आप 1 by 1 भी ख़रीद सकते हैं और अपने गार्डन को मेनटेन कर सकते हैं। मेरे सभी स्टैंड बहुत ख़राब थे, तो मैंने एक बार का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, इसके बाद सालों तक भी अपने गार्डन में कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और खूबसूरती एज इट इज़ बनी रहेगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, टिप अच्छे लगे हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए कि हो सकता है किसी दूसरे के काम आ जाए। और चैनल भी आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसी ही कुछ यूज़फुल टिप्स मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।